राजनीति कर रहे हैं और केशव द्रोहरिया आपके बच्चों के लिए राजनीति कर रहे हैं, बाकी कोई फर्क नहीं है। के साथ यूट्यूब पे आते हैं जो व्यवहारिक सामाजिक बातें। राजीव रत्न जी, आज मैं अपने गुरु, राजनैतिक गुरु आदरणीय पारसनाथ मौर्य जी से आशीर्वाद लेने आया हूं। कल 13 फरवरी 2019 को कांग्रेस से अलायंस हुआ महान दल का, और प्रियंका गांधी जी ने मुझे कांग्रेस अलायंस में स्वागत मेरा किया, और मैं लखनऊ में था। और आज मैं जो है आपसे बात करके, और मैं अपने राजनैतिक गुरु आदरणीय पारसनाथ मौर्य जी का आशीर्वाद लेने आया और आपके आवास पर, ये अच्छी बात है। और जो भी संघर्ष का रास्ता मैंने सीखा वो आपसे सीखा। हाँ, संघर्ष में बहुत चीज़ें नहीं आई, उनका मैंने डट के सामना किया, लेकिन बेस वहीं से है जहाँ से आपने मुझे सिखाया, बेस वही है। और अंधविश्वास के खिलाफ, आडंबर के खिलाफ, मुझे वो सारे दिन तो या जानकारी नहीं है कि कब आपने इतने आंदोलन किए थे, प्रभाव फेरियां निकाली थी, तब मैं नहीं था आपके साथ। जब आपने रामचरितमानस चलाया, रावण की जगह राम का पुतला दहन किया, उस समय मैं नहीं था आपके साथ, लेकिन आप और तमाम लोगों से कहानियां सुनी मुकर। मैं तो उस पल का भी गवाह हूँ जब माननीय कांसीराम साहब आपको प्रत्याशी के रूप में मणियाहों में आपकी सभा संबोधित करने आए, और उन्होंने कहा कि ये मामूली इंसान नहीं है। ये उस समय अम्बेडकरवाद का प्रचार कर रहे थे, बुद्धिज्म का प्रचार कर रहे थे, जब मैं सीख रहा था अम्बेडकरवाद और बुद्धिज्म। मैं आप बोला करते थे मंच से और मैं उसे सुनता था। महाराष्ट्र में आप मंच पे बोलते थे बुद्धिज्म और अम्बेडकरवाद पर, और मैं गैलरी में खड़े होकर सुनता था। ये मान्यवर साहब ने बोला मणियाहों के मंच में, उसमें मैं भी था। अरे नहीं, आपने जो वीडियो हमको दिया था उसका, हाँ। उसमें आपने कहा था, जो मानवर साहब ने कहा था कि हम तो नए हैं इनके, हाँ, मुकाबले में, ये वर्डिंग थी। हाँ, मुझे भूल गया। और वो वीडियो आप ही ने मुझे दिया वो शायद, लेकिन आज वो चूंकि मिला नहीं और बड़ा खराब था। मतलब जी, आपने जब मैंने आपसे कहा तो आपने मैनेज कराया वहाँ विश्राम, हाँ, कहीं किसी के पास भंडार था, तो वहाँ पे हम लोग जा करके आपने हमको वो मैनेज कराया था, दिया। आपके पुराने अम्बेडकर विचार है और अम्बेडकर विजन को हम देश में कामयाब बनाते हुए मन का वास्तव बोल पाना करना चाहते है। उसके लिए आपके उम्मीदवार लंबे अपने से लड़े हैं और इस बार उनको पार्लियामेंट से पहुंचाना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं आपके अपील कर रहा हूँ कि मौर्य साहब को बहुत अच्छा है कि आपने संघर्ष का रास्ता सिखाया। मैं आभारी हूँ कि आज मैंने महान दल बनाया और संघर्ष कर रहा हूँ, और महान दल एक समाज के लिए, कुशवाहा किसानी महोदय समाज के लिए बढ़िया व्यवस्था लेके आना चाहता है, उनको हक अधिकार और सम्मान दिलाना। आप अपने राजेंद्र गुरु जी के पास आए हैं तो आप उनके जो पुराने संस्मरण है वो सुनाइए तो बेहतर होगा। संस्मरण तो गुरु जी सुना हमारा कि कितने हम बदमाश थे शुरू में, एक आप सुना तो ज्यादा
ज्यादा उसका असर रहेगा। भाई हम तो बहुत कुछ सुनाए, हम तो अपने तमाम मंचों पे अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि धन धरती शिक्षा सम्मान लेके रहेगा हर इंसान ये सिखाने वाले आदरणीय पारसनाथ मौर्य। इसीलिए तो हमने आपको गौतम बुद्ध महासभा का जिले का अध्यक्ष बनाया था जी। खाली मतलब ये अच्छा आदमी है, तेज आदमी है और चंचल प्रकृति के आदमी है, जो चंचल प्रकृति का आदमी रहता है वो ज्यादा काम कर ले जाता है जी। तो ये गुण हमने देखा कि ये कर सकते हैं। नहीं ये तो मान लो अच्छी बात है, लेकिन कितना बदमाश थे ये लोग बैठे, इन्हें सुनाइए वो तो जो है कितनी बार हमें डांट पड़ी थी आपकी, वो तो हर जगह होता है। इसीलिए मैं ज्यादा अभी भी कुछ लोग ये समझते हैं ना, हमें फोन कर लेते हैं, हमसे बदमाशी बतियाते हैं, उन्हें पता नहीं कि हम कौन थे, कितना सुधारा हमें, कितनी लाठी पड़ी, कितना डांट पड़ी है, तब हम सुधरे हैं बेटा, पुराने फार्म में आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भागना पड़ेगा क्षेत्रों को। हम तो नंगा आदमी थे, किसी जो है बंदिश में रहते तो थे नहीं। जो समझ में आया वो ठीक है, जो नहीं समझ में आया वो नहीं ठीक है, कुछ भी हो परिणाम उसका कभी चिंता तो की नहीं। और आज उस वही ताकत भी है हमारी, परिणाम की चिंता अगर मैं करता तो शायद आ जाना, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे रह जाते हाँ। तो वहीं से रह जाते हाँ बिल्कुल। आपसे न मिला होता तो हम तो उधर ही रहे, इधर क्यों आते। लेकिन भगवान बुद्ध को भी पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान मिला हमें भी पीपल के पेड़ के नीचे सही। वो तो एक एक्सीडेंट कह सकते हैं। ये पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, 95 में जो हमने पंचशील महारैली लगवाई यहाँ बेगम हजरत महल पार्क में, तो उसमें पूरे प्रदेश से, प्रदेश के बाहर के लोग जो है पंचशील का झंडा लेके आए, पंचशील महारैली जो मनाई गई हाँ याद है। और उसमें जब मेरे पहुँचने पर जो नारा लगा कि मारेंगे मर जाएंगे हिंदू नहीं कहेंगे, तो रामदास कुशवाहा जी बिगड़ गए, हम क्या ये बदतमीजी है। तो हमने कहा कि शांत होके बैठे रहिए, बहुत हुआ MLA MP आप हो गए, सब कुछ हो गए सही बात, लेकिन आपने मतलब जो है कभी दिशा दिया, कभी दशा आपने देखा समाज का, जिस समाज से आप उठे हुए हैं, तो शांत हो गए। तो हल्के और प्रसाद वगैरह और सभी लोग थे, वो लोग भी दबेर दिए कि आप 98 के जो चुनाव में आप जो है जब बाबूजी कैंडिडेट थे तो मुझे याद है आप बाबूजी के साथ ही रह कर पूरा चुनाव का संचालन आपने बहुत मजबूती से किया। मैं तो जल्दी पहुंच जाता था, आप को जगाता था, उठाता था, और आपके गनर और वो ड्राइवर दोनों हमारे घर से जाकर सोते थे, और सुमन जी उस समय 4 बजे उठती थी, नाश्ता बनाती थी, पानी गर्म एक थर्मस भर के देती थी बाबूजी के लिए, और हम फिर उसके बाद सारा ड्राइवर और गनर का जो नाश्ता वगैरह कराते थे हम करते थे, उसके बाद आते थे तो आप या तो नहाते हुए मिलते थे या तो सोते हुए मिलते थे, फिर जगाते जल्दी जल्दी ले चलने के लिए, तो फिर देर हो जाती थी इधर उधर। तो नारा क्या एक चीज आज भी हमें याद है उस चुनाव का, और चुनाव तो चुनाव होता है, बहुत से चुनाव हमने लड़े और लड़ाए, लेकिन उस चुनाव का एक चीज हमें याद है, आपको जानकारी शायद ना हो, बाबूजी को भी शायद भूल गया हो। उस चुनाव में एक घटना घटी थी, हमारे ऊपर पैसे के लेके आरोप लगा, क्योंकि चंदा भी हम ही ले रहे थे, जो लोग कुछ लोग तो कलेक्शन कर रहे थे, जैसे वहाँ जो मौर्य महासभा का अध्यक्ष वगैरह थे, क्या नाम था उनका, मैनेजर साहब छोटेलाल, हाँ छोटेलाल, तो छोटेलाल मौर्य जी वगैरह सब लोग, मेवालाल जी वगैरह, ये लोग चंदा कलेक्शन कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो बड़े लोग थे, चूंकि हम बाबूजी के साथ रहते थे साथ, तो वो हमें दे जाते थे, तो हमारे ऊपर चंदे को लेके इन लोगों ने आरोप लगा दिया, भूमल वगैरह ने, हाँ कि ये पैसा खा गए। तो हम रोने लगे, हम चले गए घर,
तो फिर आप बुलाया आपने, आपको याद शायद होना चाहिए। तो जब गाड़ी में बैठे तो आपने एक बात कही मुझसे, और वो मैं सबको कहता हूँ, अभी हमारे सारे कार्यकर्ता जो हैं तो पार्टी के वर्कर, मैं सबको कहता हूँ, सीनियरों को, तो जो करता है नहीं, बाबूजी ने कहा कि देखो जो जितने ऊंचाई पर रहेगा उतने उसे हवा का झोंका बर्दाश्त करना होगा। जब आंधी आती है तो नीचे घास फूस को ज्यादा नुकसान नहीं होता, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ उखड़ जाते हैं। तो तुम जब हमारे साथ हो तो आरोप भी तुम्हारे ऊपर ज्यादा लगेगा। जब हम कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट के साथ जो रहेगा उसे बदनाम करने के लिए, उसे बेइज्जत करने के लिए आरोप तुम्हारे ऊपर लगेगा। उसमें रोने परेशान होने की जरूरत नहीं, उसे मतलब, अब वो शायद मेरी ढाल बन गया, बाबूजी भी शायद भूल गए हो और आपको तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये घटना आपको शायद याद है नहीं। तो उस समय वो शायद मेरे लिए वो जो फार्मूला था वो मेरे लिए ढाल बन गया, और वो ढाल मेरे इस काम आया, वो मेरे काम इस काम आया कि जब मेरे ऊपर कोई आरोप लगा तो भी मैंने उसी का सहारा लिया कि जब मैं बड़ा हूँ, जब मैं पार्टी चला रहा हूँ, मैं अगर बसपा और सपा की तरह एक स्थान बनाना चाहता हूँ, मुलायम सिंह जी और मान्यवर साहब की तरह एक पार्टी का जन्मदाता हूँ, तो मेरे ऊपर आरोप लगना स्वाभाविक है। जो घर बैठा है उसी के ऊपर कौन आरोप लगाएगा, उसी कौन आरोप लगाएगा। तो ये बातें मुझे उस समय जो आपने फार्मूला चलते चलाते दिया था हमें उस समय ना, आज बहुत काम आ रहा है। हाँ, आप एक नौजवान ने मुझे बताया कल, बिहार का नौजवान था, पता नहीं क्या नाम था, मुझे नाम भूल गया, राकेश कुमार था ऐसे कुछ नाम था, कल मुझे फोन किया, उसको मैंने फोन, उस नौजवान को मैं फोन नहीं कर पाया, बड़ा लड़का समझदार था उसने, राकेश मौर्या क्या, हाँ राकेश, नहीं राकेश मौर्या चंदौली के नहीं, वो बिहार का लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, टीचर है। उसने हमसे समझाया, वो रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई थी हमारी वो सुन के उसने हमें फोन किया था। तो उसने हमें कहा कि ये जो बीजेपी और कांग्रेस जो मनुवादी व्यवस्था की सोच के लोग हैं, इन्होंने यादव को बढ़ाया लेकिन वहीं मौर्य कुशवाहा को दबा के रखा, उसके पीछे कारण लगा। तो हमने कहा क्या कारण लगा, तो उन्होंने कहा कि जो ये मनुवत जो ये कांग्रेस बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने देखा कि यादव तो हिंदुत्व की बात कर ही रहा हो तो कथा पूजा कुल करवा रहा है, उसने सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं करना चाहा, खाली राजनैतिक परिवर्तन किया। और ये मौर्य साहब सैनी कुशवाहा ये राजनैतिक के साथ सांस्कृतिक भी बदलाव चाहते हैं, इस वजह से उन्हें यादव से कम खतरा लगा और आप लोगों से ज्यादा खतरा लगा। अब बात उसकी समझ में आई, कोई भी कहे अच्छी लगे तो उसका कोट करना चाहिए। तो कल चलते चलाते हम रास्ते में आ रहे थे, हमने एक्सप्रेस वे हालात बात कर करके आ रहे थे, बाद मैंने कहा मैं आपसे बात करूंगा, मैं तब से फुर्सत ही नहीं हुई, बाद में बात करूंगा। अब आज मैंने उससे कहा था रात में मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन बात नहीं हो पाई। तो कुल मिला के ये बात मुझे कहीं ना कहीं जमती है कि हम लोगों के साथ नफरत जो भाजपा कांग्रेस उच्च जातियों की रही है वो खाली इसी वजह से ज्यादा रही कि हम लोग सांस्कृतिक परिवर्तन भी साथ साथ करना चाहते हैं, कि हम पूजा नहीं, पूजा का विरोध, मंदिर का विरोध, पूरे सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन की बात होती तो वो एक्सेप्ट कर लेते, यादव का एक्सेप्ट क्या, लेकिन आप मूल बुनियादी परिवर्तन चाहते हैं मौर्य समाज, इसलिए वो जो है एक्सेप्ट नहीं। ये मेरी बात नहीं, ये उस नौजवान ने, तो सभी मूल्यांकन करते हैं ज्यादातर, नहीं मेरे दिमाग में ये नहीं था, लेकिन जी जो सच है सच है। उस नौजवान ने कल मुझे बताया फोन करके, बात लंबी चली, हालांकि 10 मिनट बात हुई और फोन कट जा रहा था, तो मैंने कहा मैं बाद में बात करूंगा। हाँ सर, अभी तो मैं गुरु जी के वहां बैठा हूं अपने, हाँ बगल में बैठे हैं, चर्चा हो रही है, पुरानी कहानी हमारी बता रहे हैं। सिखा ना, हम किसी तरफ से क्यों कर दें, बात कर लो। किसी तरफ और वाला काम तो आज तक नहीं किया, अपनी तरफ बात करो। सुमन, हाँ सुमन,
खुश हो, क्या हाल है? हाँ ठीक है, अब स्वास्थ्य ठीक है थोड़ा। चलो अच्छा ठीक है, देखेंगे ठीक है ठीक है ठीक ठीक नौ दिन थोड़ा सा पोता है बहुत बेटे को एक ही चीज सीखा है, ये नमो बोलता है। अच्छा कुछ करवाओ सुबह, अगर उसे कहो गुड मॉर्निंग बोल दो तो वो दोनों मिला बोलेगा, नमो बुद्धाय गुड मॉर्निंग, नमो बुद्धाय जय महान गुड मॉर्निंग। लेकिन पहले नमो बुद्धाय, दूसरा सीख ही नहीं रहा, सीलू थोड़ा परेशान है कि स्कूल उसको दिक्कत करेगा तो उसे वो थोड़ा सिखाती है सुबह सुबह नमो गुड मॉर्निंग बेटा कहो, बाद में नमो बुद्धाय कुछ सुनता ही नहीं, उस खाली नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय जय महान। कोई भी जाता है, लोग भी जाते हैं, सब लोगों से बस चंचल बहुत है, तेज बहुत है। मैं आज सौभाग्यशाली हूँ ये कह रहा हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे राजनीति की शुरुआती तालीम आपसे मिली, और अगर आपसे न मिली होती तो मैं भी इन्हीं लोगों के तरह होता, जैसे कुशवाहा समाज में और नेता हैं, मैं भी इन्हीं तरह बौड़म होता। बौड़म मैं इनको कहता हूँ, बेकार पूरे तो दुनिया भर में तुम्हारा संगठन है लेकिन जमीन पे कहीं कुछ नहीं। अरे जमीन बाबू जी ने यही सिखाया है, संगठन का मतलब जब हम जब हमें जिम्मेदारी दिया जिलाध्यक्ष की तथागत गौतम बुद्ध महासभा की, यही बताया कि दुनिया मत कूदो। एक कार्यक्रम मैंने लगवाया था आपको याद है बाजीपुर में, आपको मुख्य अतिथि बुलाया था, इतना मैंने बवाल मचाया, मैंने कहा 5-7 हजार लोग आएंगे तो बाबू जी ने कहा 5-7 सौ आ जाए समझो बहुत आ जाए, अरे हम गए इसे कहते, और आए कुल 50, तब भी भाव जी आके बोले इतने रह गए। हम तो बड़ा डरे हुए थे कि पड़ेगी डांट, 5-7 हजार में 50 आ रहे। उसी से ट्रेनिंग मिली कि कैसे लोग जुटते। आज जो मैं 50-100 हजार की भीड़ जुटा लेता हूँ वो उसी का हिस्सा है। ये सच है कि जो भीड़ मैंने जुटा ली वो बाबू जी खुद कार्यक्रम करके कभी नहीं जुटाए। चक्की कुटी की घटना मालूम है तुम्हें? हाँ कुटी चक्के वाली जब बवाल हुआ था, समंसा वाला आया था, कन्हैया सुनकर वगैरह नीचे पत्ते बह गए और हम कूद पड़े। वही तो आज मतलब जाए, आज मतलब इनकी चटनी खा के जाना हमको। अरे बड़ा बवाल तो नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो ये तो हमारी बात इनसे होती रहती है, तो तमाम साथियों की बात होती, लेकिन यह है कि मैंने जो भीड़ जुटाई वो ठीक है उसमें नहीं, सही कहा आपने कि अभी तक समाज में कोई इतना कोई नहीं जुटाया। वो ठीक है हमें डैमेज करने का प्रयास हो रहा है, बहन जी बार बार पार्टी बनवा देती है, अखिलेश यादव बार बार किसी को लगा देते हैं हमारे पीछे, लेकिन हमें रोकने के बावजूद हम जो ताकत बनाए बिना पैसे की जो हम भीड़ जुटाए, मैं आपको रैली दिखा रहा हूँ अभी बनाई वाली, आपने शायद देखा होगा, हमने देखा था फिर बाबू जी, मैं दिखाता हूँ कि बधाई में रैली 28 जनवरी को। अब देखिए और इसमें एक भी कुर्सी नहीं लगी, सबसे बड़ी बात कोई कुर्सी नहीं लगी, ये कोई कुर्सी नहीं लगी कहीं नहीं, बड़ी बड़े लोग फर्रा गए हमारी भीड़ देख के, अमर सिंह समर्थन में रोनी की थी, अमर सिंह फर्रा गए, इतनी भीड़ वोट नहीं मिला लेकिन ये है भीड़ बहुत, और एक भी कुर्सी नहीं लगी क्योंकि हमें मालूम था भीड़ कितनी आनी थी, हमें कुर्सी नहीं लगी, कुर्सी लगवा देते तो सब बाहर मजमा लग जाता एक ऊपर, अरे पूरा पूरा ग्राउंड भरा था कहीं, ये गाड़ी जिन्हें अंदर घुस, ये हमारी खाली 4-5 गाड़ियां जो हमारे पास फ्लीट की आई की गाड़ियां वही खड़ी है, बाकी कोई गाड़ी अंदर आने नहीं दिए, गेट सारे लॉक कर दिए गए थे, खाली पैदल सारे गेट लॉक, बहुत जबरदस्त बहुत भीड़ थी, 50 हजार आप गिन सकते हो ओरिजिनल, जिसे आप 1 लाख कहो 2 लाख कहो कुछ भी, एक जगह मैंने खड़ा करवाया पर होता तो लाखों भी जाता, लाखों तो है हम भी तो लाखों गिनते हैं, लेकिन अभी आपसे आपके सामने बात कर रहे हैं,
अभी एक एक जलूस सुमन जी ने किया था। हाँ ये जलूस देखिए जवरा में प्रत्याशी जुड़वा रहे थे उसका जलूस अभी जो 2000 भीड़ देखो कई किलोमीटर तक भीड़ थी। ये तो हमारे यहाँ कोई कैमरा प्रोफेशनल है नहीं और ना कोई वो है, तो मिला के जो भीड़ हमने जुटाई। ये सच है कि उसका बेस आपने तैयार किया था, आपने बताया कि कैसे आदमी जुटता है, और बहुत लोग नहीं जुटते, जितना तुम प्रयास करोगे उतना जुटेंगे, और जब तक कुछ उन्हें मिलता हुआ नहीं दिखेगा नहीं जुटेंगे। तो ये सच है कि जो बेसिक चीजें थी वो आपकी सिखाई हुई है, वो ठीक है कि उसमें हमने अपना कुछ ना कुछ मिलाया और उसमें कुछ ना कुछ आदमी अपना मिलाता है। मैं जैसे आपने कहा कलकत्ता में गठन, तो मैं इन बौड़मों के नेताओं के जो कुशवाहा बौड़म नेता हैं उनकी तरह बकलोली वाला काम नहीं कर। अरे गांव में तो है कोई पूछे ही नहीं रहा, तो इंटरनेशनल नेता एक तो विश्व हिंदू परिषद का अंतरराष्ट्रीय तो है, गाँव में चले जाओ तो कुत्ता ना पहचाने तो कौन हो, कौन वो कौन पहचाने हिंदू तो। अरे तू चार लोग बैठ के टीवी न होती तो गांव गली में जाते कुत्ता काट देते। आदमी को जान जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए। हमने कभी उड़ने नहीं दिया किसी साथी को कार्यकर्ता, मैं उड़ूंगा जमीन पे। उड़ना नहीं चाहिए ना, जमीन जमीन पे जब दिखेगा, हम कह रहे आप कितना भी बड़े मंत्री करोगे तो अपने आप जमीन पे दिखाई देगा। हम कह आप कितने भी बड़े मंत्री हो जाओ, कितने भी बड़े सांसद हो जाओ, जब आपके जमीन में एक अभी हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने बुलाया एक दिन मीटिंग के लिए दिल्ली में, उन्होंने कहा आप आ जाइए हम आपको ये सम्मान देंगे, आप विलय कर लीजिए, आपको ये मंत्री बनाएंगे, आपको वो बनाएंगे, सॉरी मंत्री हाँ ले जाओ आप ये आ जाइए, आपको हम हरियाणा घुमाएंगे, वहाँ संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर गांधी फैमिली के साथ जोड़ेंगे। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे पास लोग रहेंगे तभी तो आप घुमाओगे, अगर लोग हमारे साथ ना रहें तब घुमाओगे तो हमें महत्व दोगे? तो महत्व तभी है जब आपके पास लोग हैं, आपके पास गैदरिंग है। हम कह रहे हैं हम अपने समाज के जो नेता हैं आपके यहाँ तमाम लोग आते हैं उनसे कहना चाहते हैं कि चाहे छोटा सा आप 10 जिले का संगठन बनाओ, 5 जिले बनाओ, 1 जिले बनाओ, 5 गांव का बनाओ, लेकिन आपके साथ लोग खड़े, उनकी सेवा करो, उनके साथ उनका काम करो। अम्बेडकर महासभा में आपके पिताजी हमारे गुरु बैठ के वहीं दिन रात काम करते थे और सबके लिए दौड़ते रहते थे। मैं भी कोई नेता नहीं था, मैं तो आपके अपने यहाँ एक काम कराने आया था, अपने भाई की नौकरी का ट्रांसफर कराने आया था। अब आने के बाद मैं तो एक सीधा साधा आदमी था, मुझे क्या पता राजनीति क्या होती। अब बाबू जी को देखा राम के खिलाफ गरियाते हुए, फलाने को गरियाते हुए, हमें बड़ा बुरा लगता था यार ये कहाँ फंसा दिए यार सब लोग हमें। तो वो क्या नाम था मीरपुर का प्रधान बुलई राम मौर्य जी लेके आए थे पहली बार हमें, हम कहे यार कहाँ फंसा दिए भाई साहब, कहाँ हमें ले जाकर सत्यानाश करवा रहे, धर्म भ्रष्ट करवा। लेकिन जब बाद में समझ में आया, बातें समझ में, नगर पालिका में झगड़ा हो गया आपके बोलते समय वो भाजपा वाले सोहनलाल मौर्य वगैरह मार जय श्री राम जैसे, हम कहे यार कहाँ बवाल में फंस गया। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं सत्य यही है जो ये बात हो रही है। हाँ थोड़ी कड़ी बात हो रही है, थोड़ी नरमी से होनी चाहिए, मैंने उसमें थोड़ी नरमी बरती, इनको समझाया। आपसे बात करने की हिम्मत तो पड़ती नहीं कि आपको समझाऊं, इन्हें समझाया कि बाबू जी थोड़ा नरम बात रखो। हम कह रहे हिंदुओं में जो वेद के हिसाब से हिंदुत्व है वो वेद के हिसाब से ही, मैं तो उस पर हमला करता हूँ और वो बड़ा सा ठीक बैठ जाता है। वेद के हिसाब से हिंदुत्व ये है कि जो कर्म है वही आपका वर्ण है, तो जो जो पढ़ने लिखने काम कर गया वो ब्राह्मण, इसीलिए चाणक्य जो है वो ब्राह्मण लोग पंडित कहते हैं, लेकिन पंडित माने वो शाक्यवंशी थे, ये जाति वाले ब्राह्मण नहीं थे, कर्म वाले। तो जो कर्म जो कर्म करे वो उसका वर्ण, जो राजपाट किया इसीलिए सम्राट अशोक महान क्षत्रिय कहते, जो जो पढ़ने लिखने काम किया वो ब्राह्मण,
जो युद्ध लड़े वो क्षत्रिय राजपाट करे, और जो व्यापार करे वो बस, और जो सेवा काम करे सूद। तो आज जो शुक्ला जी तिवारी जी का बेटा नाली साफ करने की नौकरी कर रहा है तो सूत्र होना चाहिए उनसे, और जो अखिलेश यादव मायावती राजपाट कर रहे हैं तो उन्हें क्षत्रिय कहा जाना चाहिए ना। और चाहे आप हो और चाहे मैं, समाज को हम लोग जगा रहे पढ़ा रहे, तो हम लोग तो गुरु हुए ना, तो हम पंडित हुए विद्वान। तो ये बात दिमाग में कब आई, जब आप दारुल सफा में एक मौलाना जी आपसे मिले, मैं उस समय आपके साथ था, तो आपने कहा कि क्या पंडित जी क्या हाल है, तो वो बढ़ गए, हम पंडित जी नहीं है यार, आप हमें जानते हो तब भी बुजुर्ग थे आपके तरह, तो उन्होंने कहा अरे आप जानते हो हमें तब भी पंडित जी का मौलाना, खैर फिर भी पंडित जी क्या हाल है। तो आप भी बड़ा चक्कर में पंडित जी क्यों करा, हम दाढ़ी बाड़ी रखे हैं, मौलाना है दिख रहा हो काबिर है। तो आपने कहा कि भाई देखो दो ही चीज होता है, पंडित माने ज्ञानी, और बाकी अगर आप नहीं हो तो मूर्ख हो, पंडित माने विद्वान, तो आप अगर पंडित नहीं हो तो माने मूर्ख हो, मूर्ख जी कहें आपको, ये बात आपने कही। अब उसको मैंने अपने हिसाब से जोड़ा, कही आपने तो बात तो आ गई दिमाग में, और जब आ गई तो हमने उसे अपने हिसाब से जोड़ा, उसे हम आज अपने हिसाब से मंच पर रखते हैं। लेकिन है बेसिक वही, वो कहानी बेसिक है, वो घटना, आदमी अपने हिसाब से चीजों को उठाता है। नहीं, देव भाषा पर इसका में ये था पाठ का, अच्छा अध्याय था जी, वो पंडिता नाम साधु नाम मूर्खा नाम, पंडिता नाम साधु नाम मूर्खा नाम, मूर्खा नाम जी। तो मूर्ख तो जो है भी उसको भी नहीं कहा जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, फिर सीख ली जाती है, सही है। और साधु माने जो हर श्री प्रपंच से हर जाए जी, तो वो जो है साधु होगा, सही है। या जंगल में रहे या तो बिल्कुल समाज से अलग रहे, खाली खाने के लिए चलाया हुआ भले कहीं कुछ मांग जाए के खा ले, सही बात। लेकिन पंडित माने तो ज्ञानी हो गया ना, पंडित माने विद्वान, विद्वान पंडित माने सभी पंडित थोड़े हो जाए, जो विद्वान है पंडित, पंडिता नाम साधु नाम मूर्खा नाम। लेकिन यहाँ तो शुक्ला जी तिवारी जी को अक्षर पढ़े नो कुछ ना भोपू भोपू पढ़े वो पंडित जी है, और केशवदेव मौर्य सूत्र है, इसीलिए हम सबको समझा देते। नहीं तो आप जब वो बात कहते थे ना पंडित जी, तो जब कोई कुछ कहता था तो आप कहते थे का कहे मूर्ख जी कहे, ये बात दिमाग में बैठ गई हमारे, और ये बैठ गई तो हमें उसे फिर वेद वेद पे लाके उसे रिसर्च किया कि वेद में तो ये बात थी, और ब्रह्मा जी को इसीलिए बदनाम किया गया कि ये आज के जो ब्राह्मण है वो नहीं चाहते थे ब्रह्मा जी आमे, इसीलिए मंदिर नहीं उनका बनाया। अब एक बात बताइए कि चलो ठीक ये बात सच भी है, अगर ये रहा हो तो वो तो पंडित थे ना, तो करीब पुष्यमित्र सुंग के कब्जा होने के बाद, कब्जा राज करने के बाद, बृहद्रथ के हत्या के बाद हजार साल तो तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है, तो इसे मिटा क्यों नहीं दिया, किताब में लिख के क्यों मुंगे, क्यों सूत्रों को पढ़ाया, क्यों ब्रह्मा जी गाली दिलवाया, इसलिए दिलवाया कि वो जो ब्रह्मा जी हैं वो कोई ऋषि मुनि रहे होंगे, वो शायद हो सकता है कि वो वाले रहे हों जो ज्ञानी पंडित थे, वो किसी वंश के हो सकते हैं, वो मौर्य वंश के हो सकते हैं, वो शाक्य वंश के हो सकते हैं, पाल वंश के हो सकते हैं, उनको अपमानित उनको बदनाम करने के लिए, जिससे उनकी तरफ कोई ना जाए, अगर ब्रह्मा की तरफ कोई गया तो वेद की तरफ जाएगा, जी तो वेद की तरफ जब जाएगा, जब वेद ये सही कह रहे हैं हम तो आज तक जुड़े ही नहीं, कि कृष्ण को भी जो बदनाम किया गया, चरित्रहीन बताया गया, राजा का बेटा क्यों, क्या जरूरत खुले आप चरित्र, एक भी कहीं यज्ञ नहीं कराया, हाँ वही यज्ञ रोका, यज्ञ रोकने का काम किया, गीता लिखा, जो गीता में जो आज ब्राह्मणवाद है उसका विरोध है, गीता पढ़िए तो विरोध है। चलिए अब भी निकलिए गुरु जी, हम भी निकल रहे हैं, आप आराम करिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपका आशीर्वाद मिले, बहुत अच्छा, और आंटी जी हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपसे मुलाकात हो जाती है, नाम हो जाता है, हाल चाल मिल जाती है, हालांकि हम तो चाहते हैं कि आपसे हर हफ्ते आके मिले, लेकिन संभव हो नहीं पाता, ठीक है, नमो। हम जिस लायक भी हैं, जहाँ भी हैं, जब भी हमें आदेश करेंगे हम हाजिर रहेंगे, ठीक है।